ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप ये खास बुलेटिन देख रहे हैं सीधे हाथरस से, जहां पर 14 सितंबर को दरिंदगी हुई थी, जिसकी लिए निंदा सभी ने की थी और उसकी इंसाफ के लिए लगातार इंडिया टीवी मुहिम चला रहा है। और लोग जहां गुस्से में हैं इस घटना को लेकर, वहीं बलिया से बीजेपी के एमएलए विधायक सुरेंद्र सिंह एक ऐसा बयान देते हैं जो बहुत शर्मनाक है। वो कहते हैं कि जो लड़कियां हैं उनके परिवार को उन्हें संस्कार देना चाहिए। जरा सुनिए उनकी इस बात को। तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं है। तो आपने सुना विधायक जी को कहते हैं कि संस्कार होना चाहिए, तो संस्कार तो उन लड़कों के माता पिता को देना चाहिए, उन लड़कों को जो इस तरह की घिनौनी हरकतें करते हैं। हमेशा उंगलियां लड़कियों पर ही क्यों उठाई जाती है? जो करता है, जो गुनहगार है, उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है? क्या उनको संस्कार नहीं मिलना चाहिए? कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, ताज़ा अपडेट बताइए कि क्या है वहां पर, और साथ ही साथ आपने भी सुना होगा जो विधायक जी कह रहे हैं, जरा पूछिएगा इन परिवार से कि किस तरह की बातें ये विधायक करते हैं इन तरह के मामलों में। देखिए, इस देश में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि एक मासूम लड़की के साथ जब इस तरह की घटना होती है, घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो आरोपियों के पक्ष में इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि कोई कहता है कि लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कोई कहता है कि सूरज ढलने के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, फिर कोई, अब ये विधायक जी जो है वो ये कह रहे हैं कि लड़कियों को संस्कार देने चाहिए माता पिता को। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन फिलहाल मैं आपको अंदर ताज़ा तस्वीरें दिखा दूँ एक बार फिर कि जो SIT की टीम इस वक्त अंदर मौजूद है और तकरीबन 2 घंटे होने को जा रहे हैं और अभी भी पीड़ित परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखें कि जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उनके पिता के बयान दर्ज हो चुके हैं और इस वक्त SIT की टीम के तमाम सदस्य बाहर घर में कॉरिडोर में बैठे हुए हैं और इनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर अब जो पॉलिटिकल ड्रामा है जो कल से शुरू हुआ वो लगातार चल रहा है। कुछ लोग मिलने के लिए आए थे लेकिन अभी जो ऑल इंडिया के साथ ही जो बीजेपी के विधायक हैं इस तरह की शर्मनाक बयान देते हैं, जहां पर वो लड़की को कहते हैं कि वो संस्कार सीख के आए। अरे वो लड़के कहां पर संस्कार नहीं सीखेंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? अरे पहले अपने लड़कों को संस्कार दो, फिर लड़कियों पर सवाल उठाओ या फिर उंगली उठाओ। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। सीधा ग्राउंड जीरो से हाथरस से आप देख रहे हैं ये हमारी खास बुलेटिन।